बेस्ट क्लास था आज, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया चार्ट्स को रीड करने का, थैंक यू सो मच। मतलब इसमें सर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा कि हमको छोटा एसएल रखना पड़ेगा, तो हम कहीं से भी नहीं मार सकते। मतलब अगर हमको एसएल छोटा दिख रहा है तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पूछ रहे हैं रेंज में आ सकता है अंदर, तो हाँ आ सकता है। ये अपनी रेंज है। कंफर्मेशंस वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हमने कहा था ना आपसे, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट के साथ अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर जाएगा तो ये डाउन साइड की तरफ ही आपको नजर आएगा गिरता हुआ। यस सर। प्राइस को अगर डाउन साइड की तरफ गिरना, तुमने कहा था ना आपसे वॉल्यूम्स जरूरी है, वॉल्यूम्स आएंगे। वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट हो रहा है आपके सामने, प्राइस डाउन साइड की तरफ अगर क्लोज कर देगा तो ये डाउन साइड की तरफ इसके मोमेंटम शुरू हो सकते हैं। यस सर। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं इसके साथ में, जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस डे में इतना बड़ा आपका वो हुआ है, रैली हुई है, सेकेंड डे क्या होगा कि साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग, हम जिनसे बोलेंगे वो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अनिल जी, अनिल साहब। हाँ सर। अनिल साहब वापस एक बार एक्सप्लेन कीजिए, सभी लोग माइक अपने म्यूट कर लीजिए। स्टार्टिंग से स्टॉक सर लोअर लोज और लोअर हाईज बना रहा था, अभी सपोर्ट को टकराने के बाद उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है और वो स्विंग हाइज ब्रेक करने लगा है, मतलब उसका फॉर्मेशन अभी हायर हाई हायर लोज में कन्वर्ट हुआ है। ओके। और अभी लास्ट लास्ट में उसने एक सपोर्ट भी क्रिएट किया है अपना स्विंग हाई के ऊपर। ओके। तो मैं बाय साइड जाऊंगा सर। ओके परफेक्ट, ठीक है अनिल सर बाय साइड। अच्छा अभी तक हम लोग 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स, मतलब छह लोगों से हमने बात की है, छह में से दो लोग सेल साइड पर है, बाकी के चार लोग बाई साइड पर है, तो अभी मेजोरिटी बाई साइड पर है। सर मैं बोल सकता हूं, एक सेकंड, हम सभी सभी लोगों से बोलेंगे, एक सेकंड अभी वन बाय वन चलते हैं। अखिलेश, अखिलेश बोलिए। हेलो जी अखिलेश बोलिए। सर इसमें मैं सर बाई साइड से जाऊंगा, क्योंकि सर जो हमारे सपोर्ट लेवल है बार बार वहां से मतलब एक हाई हमेशा सर बनाने की कोशिश कर रहा बार बार, तो सर इस रीजन से सर यहाँ पे कई सारे हमारे मतलब रेजिस्टेंस इसने तोड़े हुए, तो सर एक टू हाई बना रहा है, इसलिए सर बाई साइड से जाऊंगा। डाउन साइड से अप साइड की तरफ ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता जा रहा है लगातार। यस सर, यस सर, आप इसके अंदर बाई साइड जाना चाहेंगे। ओके अच्छा, अप साइड से ये जिस स्पीड से और जिस फॉर्मेशन के साथ ये प्राइस डाउन साइड की तरफ आया है, इस फॉर्मेशन से आपको देखने से क्या लग रहा है? डाउन साइड की तरफ तो चलिए ठीक है, जिसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जो कि अभी तक नहीं किया गया था सर, गैप अप हुआ था सर, गैप अप हुआ था तो सर वो अपने गैप अप को कवर करने सर आया था, मतलब ओके सर गैप अप हुआ है, गैप अप हो जाने के बाद ये वापस अपने सपोर्ट्स पर आया है, और सपोर्ट पर आते ही इसने अपने स्विंग्स को ब्रेक कर दिया, और स्विंग्स ब्रेक होने के साथ साथ इसने अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट किया, तो अब ये अपसाइड की तरफ जाने को रेडी है। ओके अखिलेश साथ 22 की। ओके ठीक है, दीपक बोलिए। जी सर इसमें मेरा व्यू बाई साइड की तरफ होगा सर। ओके सर, क्योंकि सबसे पहले स्टॉक गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर अपने गैप को फिल करने के लिए अपने सपोर्ट के ऊपर आया सर, और सपोर्ट पे आने के बाद कई फॉर्मेशन क्रिएट हुई है सर अपने यहाँ पे। ओके ठीक है, एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन भी बना है, अपना बुलिश कंटिन्यूएशन भी बना सर, एक सर आपकी बताई हुई फॉर्मेशन है XVRL का भी फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और फिर अपने स्विंग लोअर स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है। अब सर ये 3333 को सर क्रॉस करते ही हम इसको बाई साइड कर लेंगे सर, जब इस रेंज पे चल रहा ना प्राइस, इसको क्रॉस करते सर हम इसमें बाय एंट्री देख लेंगे सर। ठीक परफेक्ट, अच्छा मल्टी कंफर्मेशंस। दीपक जी बाय साइड। उत्कर्ष सर मेरा भी यही है कि नीचे सपोर्ट पर आया है, वहां पे उसने और सपोर्ट बनाए हैं, सपोर्ट ब्रेक नहीं किए, बट इमीडिएटली बाय नहीं होगा, ये बाई होगा तब जब ये अपने पिछले मेजर हाई को ब्रेक करेगा, मेजर हाई एज इन जो ये जहां से ये गिरा है लेटेस्ट बड़ी ब्लैक कैंडल बना के, और जहां से सपोर्ट तक आया है, इस वाले हाई को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक
बाय नहीं हो, क्योंकि अभी भी ये अपनी फर्स्ट या 915 के कैंडल जिसको हम कहते हैं उसके अभी भी ये नीचे है स्टॉक। यहाँ पर 915 की कैंडल नहीं बोलेंगे, आपका सेंस हम समझ रहे हैं कि जहां से मार्केट स्टार्ट हुई। हाँ, राइट। हाँ, वो सेंस हम समझ रहे हैं, बट 915 की कैंडल ये नहीं। जी, मतलब मेरा फर्स्ट कैंडल से था। हाँ, हम समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर इसी यही वाला हाई जहां पे अभी कर्सर है आपका, इसके ऊपर जब जाएगा तब ये वाला या जो फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है हमारा, उसके ऊपर जब क्लोज होता है तो सॉर्ट ऑफ हमारा ये होगा कि ये फॉर्मेशन जो रेजिस्टेंस बनाया है उसके ऊपर भी क्लोज होगा और जो हमारी फर्स्ट जो कैंडल है उसके ऊपर भी क्लोज होगा। ओके, ये वाली कैंडल। जी, मतलब आपके अकॉर्डिंग अब ये बिल्कुल भी बाई साइड पर नहीं है। अब हाँ, मेरे लिए अभी ये उतना श्योर नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है। श्योर नहीं, मतलब ये जो डाउन साइड की तरफ गिरा है ये जस्ट इसका रिट्रेसमेंट है। प्राइस यहां से अगर अप साइड की तरफ निकलता है तो ये बाई हो सकता है। यहाँ से नहीं सर, ये मेरा ये वाला था, ये जो बड़ी कैंडल जो है ना, हम समझ रहे हैं। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको हाई मार्क करेंगे तो वहीं तक पहुंचेंगे। राइट, हाँ, अप्रोक्सीमेटली। ओके, ठीक है। अच्छा, एक भी आप लोगों में से ये क्यूरियोसिटी, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर इसको देखने की हो नहीं रही है, या हम इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देख लिए इस वजह से हम लोग उसको वापस देख नहीं रहे? मतलब मेरा तो इतना सर, ये जो आपने जो मार्क किया हुआ है लास्ट में जो लाइन, ये एक इसको अगर डेली सपोर्ट या डेली लेवल हम मान रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर हम इसके अंदर मार्किंग कर चुके हैं और अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं। हाँ, ये जो ब्लैक लाइन हमने बनाई है ये हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग है। परफेक्ट, ठीक है। सो उत्कर्ष साहब, नॉट श्योर, अभी किसी भी डायरेक्शन में आप श्योर नहीं है। अनिश जी बोलिए। अनिश, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अभी क्लियर है सर? जी हाँ, थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ सर, आपने जो अभी ये लाइन जो ड्रॉ किया था डेली टाइम फ्रेम पे किया हुआ है, मैंने भी वो डेली टाइम फ्रेम में देख लिया था, तो जैसे कि वो मुझे भी लग रहा है कि बुलिश है। लास्ट जो जिस सपोर्ट लाइन में उसने सपोर्ट लिया वहाँ पर एक फॉर्मेशन उसने क्रिएट किया हुआ है सर, जब भी वो लाइन में एक फॉर्मेशन क्रिएट किया हुआ उसने सपोर्ट। हेलो, हाँ, बोली। और अभी वो जो हायर स्विंग है वो अभी ब्रेक करने के लिए, मेरा भी व्यू बाई साइड में ही। ठीक है अनीश, भरत। सर, मैं डे टाइम फ्रेम पे एक बार इसे देखना चाहूंगा कि इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। अगर इसने मेजर रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ गया है और वहां पे इसने मेरा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाया तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सेल के लिए रहेगा, लेकिन अगर मुझे नीचे मेजर सपोर्ट दिख रहा है तो और वहां पे इसने मेरा जो पैटर्न बनाया उसके बाद मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग कराएगा। तो मेरे लिए ये डिपेंड करता है कि इसका मेजर रेजिस्टेंस या फिर पर्टिकुलर कोई कैंडल है जिसके ऊपर क्लोजिंग का आप वेट करेंगे? सर, मैं अभी जो पर्टिकुलर ये वाली नहीं, इसके अभी जो कैंडल बन रही है। अच्छा, अगर ये मेरी प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो मैं इसमें इसके इस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये क्लोजिंग देगी तो मेरे लिए वो एंट्री ट्रिगर करेगा। ठीक है, बट नहीं। जी हाँ, बोलिए सर। मेरे हिसाब से जो दिन का सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है वो सेकंड कैंडल में आया है। दिन का जो प्राइस ने ज्यादा वॉल्यूम आया है वो सेकंड कैंडल। हाँ, तो उसके लो पे भी उसका लो ब्रेक हुआ है तो वहां पे सेलर्स बैठे हैं और प्राइस लोअर लो में, मतलब स्विंग के हिसाब से लोअर लो में अलाइन हो गया है। ठीक है, बॉटम पे सपोर्ट पड़ा हुआ है और कहीं पे भी मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर जब तक वो लास्ट स्विंग तोड़ेगा नहीं, मतलब जो अपर स्विंग 33.30 का स्विंग वॉल्यूम से नहीं तोड़ेगा तब तक मैं इसमें बाई का कोई सिम्टम्स नहीं देखूंगा। 33.30 थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज को। ये सॉरी सर।
सॉरी सर, तो वो जब तक वो वॉल्यूम से ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं इसमें बाई का नहीं करूंगा, क्योंकि वो हाई वॉल्यूम कैंडल पे सेलर्स भी होंगे, वो रेजिस्टेंस करके नीचे भी आएगा, मतलब साइडवेज भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ओके ठीक है, मतलब बेसिकली हम ये मान के चलें कि आपके कहने का मतलब है अगर ये 7:05 की जो कैंडल है, हाँ सर, 7:05 की कैंडल की रेंज के अंदर जब तक प्राइस नहीं आ जाएगा तब तक आप इसके अंदर बाय नहीं बनाएंगे। हाँ, क्योंकि सर सबसे ज्यादा वॉल्यूम उधर ही है, मतलब उसके लो पे सेलर्स बैठे हैं, तो उसके लो पे सेलर्स बैठे हैं तो रेजिस्टेंस है, पर वो वॉल्यूम से ब्रेक कर देगा तो शायद सपोर्ट बन जाए। ठीक, और जब तक ये सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है, प्राइस यहाँ पर जाने के बाद डाउन साइड की तरफ गिर सकता है या फिर कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड या साइडवेज। अभी एक और सर इसमें आर्टिफैक्ट क्या दिख रहा है जो सपोर्ट पे है, अभी कहीं पे भी रेड कैंडल को कंटिन्यूटी में लोअर लो नहीं बन पा रहा है, तो शायद लोअर बॉटम से सपोर्ट बनने का कोशिश हो रहा है। अच्छा, मतलब फिर से समझाइए इसको, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ, मतलब अगर समझो प्राइस अगर लोअर लो में चल रहा है, सपोर्ट पे है, ठीक है, तो अगर समझो सपोर्ट पे है तो हायर हाई ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है, और ग्रीन कैंडल हायर हाई बनने के बाद लोअर लो रेड कैंडल नहीं बनने चाहिए, ठीक है। अगर सपोर्ट है तो दो लोअर लो कैंडल नहीं बनेंगे ना रेड में, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्या? तो अगर आप सपोर्ट पे फॉर्मेशंस जो देखेंगे वहां पे आपको हायर हाई ग्रीन में बनते हुए दिखेंगे बट लोअर लो रेड में बनते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। इसका मतलब है कि शायद सपोर्ट बन रहा है बट ऊपर हमारे पास एक स्विंग भी पड़ा हुआ है, इसको टच करके वो गिर सकता है। ओके, ठीक है, तो कंफर्मेशन जब मिलेगा, जब तक वो हाई वॉल्यूम कैंडल का लो के ऊपर वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मतलब मैं पर्सनली तो मैं बाई भी नहीं करूँ, मतलब मैं नहीं सोचू बाई का। ये सेकंड अभी सपोर्ट, हाँ, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर वीकनेस है तो दो रेड कैंडल कंटिन्यूटी में बनने चाहिए, लोअर लो रेड, मतलब आपने जो ब्लैक कैंडल मार्क किया वो रेड है ना बेसिकली, ठीक है ना, तो वो कंटिन्यूटी में लोअर लो बनने चाहिए। अभी सपोर्ट पे हो क्या रहा है कि सिर्फ ग्रीन कैंडल हायर हाई में बन रहे हैं बट लोअर लो मतलब रेड कैंडल लोअर लो के कंटिन्यूटी में बन ही नहीं रहे, मतलब शायद सपोर्ट बन रहे, समझ रहे हैं? वीकनेस कैसे होगी, रेड टू रेड लोअर लो में बनते रहेगा तो वीकनेस है, जैसे कि ऊपर वीकनेस था इसलिए वो स्विंग बन गया बट लोअर पे लोअर साइड पे कहीं पे भी ऐसा बन नहीं रहा। परफेक्ट, अच्छा बढ़िया। इसी के साथ साथ अब मान लीजिए कि जैसे आप बोल रहे हो कि लोअर लोज रेड कैंडल में काउंट नहीं हो रही है, फिर नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जब जब तक लोअर लोज नहीं बनेगी तब तक हमारे पास एक सपोर्ट नहीं बन पाएगा और कोशिश हो रही है यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म होने की। हाँ, अगर समझो लोअर लो बन जाए रेड और रेड में तो शायद ऐसा हो सकता है वापस ऊपर से कहीं से टॉप से वीकनेस बनने का कोशिश हो रहा है बट वो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये एरिया जो है 32.62 का जो आपने बॉटम लाइन मार्क किया वो शायद सपोर्ट हो एक अपने लिए, ठीक है, पर ऊपर एक स्विंग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है तो जब तक वो कटेगा नहीं तब तक हम बोलना मतलब मुश्किल है बोलना कि ये ऊपर जाएगा। हाँ, ये मेरे हिसाब से मतलब ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ओके, और उसका और एक आर्टिफैक्ट जो मैं बोला कि वो हाई दिन का हाई वॉल्यूम कैंडल जो मैंने आपको बताया सेकंड कैंडल है उसके लो पे रेजिस्टेंस कंफर्म है बिकॉज सबसे दिन का हाई वॉल्यूम कैंडल उधर ही, उसका लो वो हेल्दी कैंडल है, उसका लो ब्रेक ही नहीं होना चाहिए था अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो, पर वो ब्रेक हो गया और उधर स्विंग बन के तो आइडियली लोअर लो में लाइन हो गया, तो जब तक उसका लो नहीं लो टूट के ब्रेक नहीं होगा वॉल्यूम से तब तक तो मुश्किल है बोलना। ओके, तो मतलब अभी क्लियर नहीं है आपका, आप कंफर्मेशन का यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि प्राइस, हाँ मैं बाई साइड में चाहोगे कि जब हमारा 333 के ऊपर प्राइस यहाँ पर कुछ इस एक रेंज के ऊपर, हाँ वॉल्यूम से, वॉल्यूम से, वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ, हाँ वॉल्यूम के ब्रेकआउट उसके बिना तो मुश्किल है, ठीक है, और सेल साइड में जब इस वाली रेंज के नीचे जाएगा, हाँ वो उधर टूट देगा तो कर सकते हैं विद वॉल्यूम, विद वॉल्यूम, हाँ परफेक्ट। सेल साइड पे अगर जाना है सर तो उसमें कैसा है, अगर जो स्विंग मार्क किया है अगर वहां से भी अगर हमको कोई रिएक्शन दिख के आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो
वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं तो शायद वो जो इंटरमीटेंट जो आपने सपोर्ट मार्क किया वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो सेल करना है तो वो एरिया से भी कर सकते हैं 33.30 से। सर मेरे हिसाब से 33.19 से एक बार वापस रिजेक्शन लेगा ना तब अपन सेल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाय करना होगा आपको तो? सर बाय के लिए मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्योंकि मतलब वन डे पे ये वो बना रहा है मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार टाइप कुछ बना रहा है। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ने क्या पढ़ाया है क्या आपको? नहीं नहीं, कहां पर आपको मॉर्निंग स्टार दिख रहा है इसके अंदर? ये जो आज की कैंडल बन रही है ना, हाँ, वो गैप अप ओपनिंग और फिर अभी नीचे आ रही है, हाँ, तो थोड़ा मतलब उसके बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। अच्छा 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 ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पर हुआ गैप अप होने के बाद प्राइस डाउन साइड की तरफ आ गया, हाँ, यहाँ पर भी गैप अप होने के बाद प्राइस डाउन साइड की तरफ, हाँ, मतलब मोस्टली ऐसा होता है ऐसा मेरे को लग रहा है फास्ट बेसिस। बाई के लिए थोड़ा कम ही प्रेफर करूंगा मैं स्टॉक को। बाई के लिए आप कम प्रेफर करेंगे सिर्फ इस वजह से कि प्राइस गैप अप हुआ है, हाँ, ओके, बट यहाँ पर आप ये चीज नहीं देख पा रहे हैं कि प्राइसेस ने गैप अप कर दिया और गैप अप के बाद जो इसका गैप था ये पूरी तरह से फिल कर दिया गया है। फिल भी कर दिया पर सर जैसे ऊपर जा रहा है ना तो बिना वॉल्यूम के जा रहा है। ओके ठीक है, वॉल्यूम्स लगातार गिरती चली जा रही है, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस वाली कैंडल के हाई से प्राइस जब रिजेक्ट होगा इसके लो से, मतलब ये 33.19 पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाए आप शॉर्ट कर दोगे, और अगर प्राइस इस रेंज से रीटेस्ट ना होने के ना हो करके अगर सीधे डाउन साइड की तरफ आ गया तो फिर यहाँ पे रीटेस्ट होके फिर अपन सेल करेंगे। अच्छा, इस वाली रेंज पर रीटेस्ट होने के बाद फिर सेल कर सकते हैं फिर से। अच्छा है, बढ़िया, मतलब हम ये चाह रहे हैं इस एक्सरसाइज से, देखिए सिंपली सभी लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बात करके ऐसा लग रहा है ऐसा हमें मालूम है, सिर्फ अभी हमें नहीं मालूम है, मालूम है सभी लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ये जो इत्मीनान है जिस सुकून के साथ अभी आप प्राइस को एनालाइज कर रहे हो, हम लोग ग्रुप में बैठे हैं ना, हम देख रहे हैं आपको कि आप किस तरह से प्राइस को किस रिलैक्सेशन के साथ प्राइस को आप एनालाइज कर रहे हो। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या इतना रिलैक्स आप लाइव मार्केट में होते हो जब आपको ऑर्डर लगाना होता है? अगर इतनी रिलैक्सेशन के साथ हम प्राइस को लाइव मार्केट में जिस स्टॉक को हम ट्रेड करना चाहते हैं वहां पर होंगे ना तो बहुत सारी हेल्प हमको मिल जाएगी और बहुत सारे लॉसेस से हम बच सकते हैं। लॉस का सेंस मेरा यहाँ पर पैसों को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है, एक गलत स्टडी की तरफ बढ़ने से जो मेरा लॉस होता है ना, गलत प्रोसेस में एग्रेशन में आकर के जो अपनी स्टडी का हम लॉस करते हैं उस लॉस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर इतने इत्मीनान के साथ अगर हम लाइव मार्केट में जिस स्टॉक को हम ट्रेड करना चाहते हैं अगर उसको भी एनालाइज करने लग जाएं सेम प्रोसेस के साथ तो बहुत बड़े लॉस से आप बच जाओगे। इस एक्सरसाइज के पीछे का मेन जो पर्पस अपना है वो यही है, प्राइस को जो एनालाइज करना है वो इसी तरह से करना है। अभी यहां पर देखिए जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात की है, आप लोगों ने बताया है, मेजोरिटी क्या बोल रही है कि प्राइस यहां पर बाई हो सकता है, डाउन साइड की तरफ प्राइजेस मोमेंटम्स कम दिख रहे हैं, यहां से प्राइस अपसाइड की तरफ उठ सकता है। लेकिन इस बीच में आप एक चीज देखिए, इसको अदरवाइज मत कि जब यहां पर ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, ये ग्रीन कैंडल बन रही थी तब तक जितने भी लोग थे अपने पास सभी लोग इसके अंदर बाई का व्यू बना रहे थे, मतलब ग्रीन कैंडल को देख करके बाई के व्यूज बन रहे थे ऐसा लग रहा था जो हमको महसूस हुआ। और उसके बाद से जो हुआ है प्राइस अभी फिलहाल साइडवेज है, कुछ अपने बाकी और लोगों से एक बार सवाल कर लेते हैं। यश
हेलो हेलो जी यश बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर, मैं मेरा सर इसमें जो है सेल्स ऐड का रहेगा। रीजन ये जो हेल्दी कैंडल है वहां से। हेल्दी कैंडल ये वाली, जी, ओके मतलब इसके 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 लो से जब टच करके वापस आएगा तब कोई फॉर्मेशन बनाएगा तब। ओके क्योंकि सर जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो इसको प्रीवियस लोज को तोड़ जरूर रहा है, लेकिन वहां पर वॉल्यूम कम हो रही है सर। प्रीवियस लोस मतलब प्रीवियस स्विंग हाईज। जी, स्विंग हाइस को जब भी तोड़ रहा है तो वहां पर वॉल्यूम कम है। जी तो अब मान लीजिए, ठीक है वही सवाल, अगर 3319 के पास ना जा करके अगर ये यहीं कहीं से या फिर अपने इन वाले स्विंग से जी डाउन साइड की तरफ अगर आने लगता है, तो यहाँ पर जी आपको तो कौन सी ऐसी कैंडल दिख रही है जिससे आप शॉर्ट करना चाहोगे, या फिर सीधे अपने सपोर्ट का या फिर प्रीवियस डेज की रेंज के अंदर के आने का वेट करोगे, क्या करोगे यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंचता है तो? जी अगर यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो फिर मैं ये जो 32.6662 का जो है यहाँ से ब्रेक होने का इंतजार करूंगा और उसका रिटेस्ट होगा तब परफेक्ट, सेल करूंगा। ठीक। एक लॉ होता है एक्शन और रिएक्शन का, न्यूटन का थर्ड लॉ है ये। जैसा एक्शन होगा एज इट इज उतनी ही पावर में रिएक्शंस होते हैं। इसको अपने स्टॉक मार्केट में भी हम लोग सेम मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। और एक्शन रिएक्शन वालों में कहां पर दिखते हैं, सिंपली आपको प्राइजेस में और वॉल्यूम्स में दिख जाएंगे। अगर प्राइस में दिख रहा है वॉल्यूम्स में नहीं दिख रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वॉल्यूम्स में दिख रहा है प्राइस में नहीं दिख रहा तो भी गड़बड़ है, क्योंकि अगर यहां पर एक्शन हो रहा है तो ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन आपको दिखना चाहिए। इस चीज का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो काफी कुछ चीजों से बच सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर वॉल्यूम्स आ गए और प्राइजेस में मोमेंटम्स नहीं हुए, इसका मतलब होगा तो जरूर ये जो एक्शन यहां पर हुआ है इसके अपोजिट में कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा, रिएक्शन होगा इसका। अभी हमें वेट करना होगा कि ये हो कब सकता है, ये तय है कि होगा जरूर। यहां पर देखिए वॉल्यूम्स थिन हो गई हैं, प्राइजेस के जो मूव्स हैं ये भी कमजोर कमजोर से लग रहा है। यहां पर हमको क्या दिख रहा था कि वॉल्यूम्स भी हाई हैं और प्राइजेस भी हाई हैं, मोमेंटम्स के चांसेस तो थे। प्राइस देखिए अप साइड की तरफ नहीं निकल पाया, रिजेक्शन हुआ, प्राइस वापस से अपनी रेंज के अंदर क्लोज हुआ और सीधे डाउन साइड की तरफ। जैसा एक्शन जस्ट अपोजिट वैसा ही रिएक्शन होता है उस चीज का। चलिए विपिन सभी लोग हो गए लगभग 1 2 3, अभी काफी लोग बचे हुए हैं। संदीप हेलो जी, संदीप बोलिए। सर मैं इसमें बाय साइड के लिए देखूंगा सर, रीजन बताइए। क्योंकि सर इसने पहले तो अपना गैप फिल किया है और दूसरा ये जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो पूरा वीक बनाते हुए ऊपर जा रहा है और उसने लास्ट स्विंग भी मतलब ब्रेक किया है। अगर ये 33.19 के अगर अबव क्लोज करता है तो फिर बाय के लिए सोच सकते सर हम। अच्छा, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो बाई साइड के लिए सोच सकते हैं, हाँ सर। और अगर सेल करना होगा तो? सेल करना है तो 3262 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करके उसको रिटेस्ट करने के लिए अगर जब अगर आएगा तो हम देख सकते हैं सर। ऐसा क्यों, 3262 में ऐसा क्या है? सर मतलब पहले इसका ये था रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला 3262, अगर हम 1 डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो बहुत दिन के बाद इसने मतलब गैप ओपन करके उसको ब्रेक किया है सर। ओके ठीक है,
इसलिए उसको नीचे क्लोज होना चाहिए सर, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। मतलब इस वाली रेंज के नीचे की तरफ अगर क्लोज होता है तो इसके अंदर हम लोग शॉर्ट साइड जा सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3319 के ऊपर आप वेट करोगे तभी इसके अंदर बाई करोगे। संदीप जी ठीक है, बाकी और किसी को अगर अपना व्यू रखना है तो आप लोग रख सकते हो, हम लोग आगे के डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, मुझे बोलना है। जी मैडम बोलिए। सर अगर प्राइस जब पहली कैंडल से ओपन होता है तो हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, अगर वाकई ही प्राइस स्ट्रांग था तो पहली कैंडल के लो से रिट्रेस हो जाना था ये था ऊपर की तरफ, और वो उसका ब्रेकआउट करके पूरा नीचे की तरफ आता है, जब सपोर्ट में टकराता है 32.62 पे जो सपोर्ट लाइन है उसमें वॉल्यूम की कोई ऐसे कुछ नहीं आता है कि वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट नहीं लेता है, तो अगर 32.70 के नीचे अगर क्लोज देता है तो मैं थोड़ा कंफर्म होगा, क्योंकि उस सपोर्ट के टकराने के बाद वो नेक्स्ट कैंडल है जो पिन बॉटम की तरह है, नेक्स्ट कैंडल है उसमें थोड़ा वॉल्यूम आता है, उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो मैं थोड़ा कंफर्म होगा कि सेल साइड की तरफ जा सकता हूं, अगर 32.62 के नीचे क्लोज देता है रिट्रेस करता है तो मैं वहीं लेवल से उसको शॉर्ट कर दूंगा और बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर 33.19 के ऊपर बाय भी करता हूं तो ऊपर पास में ही मुझे रेजिस्टेंस दिखता है। ओके, 33.19 के ऊपर अगर आप जाते तो यहां पर क्या दिखता है? वहां पे तो रेजिस्टेंस है सर, वो जो पहला वाला जो वॉल्यूम के साथ गया था वहां से ही प्राइस गिरा है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग अगर देगा भी तो मैं उसको बाय साइड में नहीं जाऊंगा। अच्छा, बाय में नहीं जाएंगे आप? नहीं जाऊंगा सर। ऐसा क्या हो सकता है? कैंसिल कर दें। मुझे लगता है कि अगर ऊपर जाएगा भी तो ये 33.80 से ऊपर नहीं जा पाएगा आज के दिन के लिए। अच्छा अच्छा, वो जितना भी ट्रेडिंग है इसीलिए। लगभग 3% तो ऑलरेडी चल चुका है, 4%। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अच्छा शिव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी शिव जी बोलिए। सर मेरा कोई व्यू नहीं है इसमें। ओके ठीक है, अभी बेसिकली देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे इस वाली रेंज को हम डिलीट करते हैं, ये जो रेड वाली लाइन हमने ड्रॉ की थी और ये हाई टाइम फ्रेम की जो रेंज है, ये दोनों लाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बार अपनी इस हाई टाइम फ्रेम की रेंज को भी डिलीट कर दें तब भी ये रेड लाइन जो हमने ड्रॉ की है, अब ये वाली रेंज बहुत एक इंपॉर्टेंट रेंज बन गई है, ये वाली कैंडल। अब क्या होगा कि जिस वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, देखिए प्राइस डाउन साइड की तरफ तो आ रहा है बट वॉल्यूम्स में कंफर्मेशंस नहीं मिल रही हमको। एक सेकंड, उत्कर्ष बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी शिव जी ने बताया कि फर्स्ट फॉर्मेशन और पहले भी आपने बताया, तो अगर हम पहला फॉर्मेशन देखें तो जो कि हमारा बन रहा है और उसको ब्रेक भी कर रहा है ऊपर की अपसाइड की ओर, हाँ विद मोर वॉल्यूम, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कैसे डील करें उसको सर, क्योंकि ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर, और उसमें ये भी है कि गैप अप ओपन हुआ है अपने एक बहुत प्राइमरी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है और फिर उसने आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम की कैंडल बना करके उस पे जो रेजिस्टेंस बना था उसको भी उसने ज्यादा वॉल्यूम से ब्रेक किया है, तो मोर और लेस यहाँ पे जो मेरा व्यू रहेगा वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मेशन को देखते हुए बाई का ही आएगा, तो यहाँ पे कैसे डील करें सर इसको? आगे की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे सर चीजें। अच्छा ठीक है, एग्रेसिवली सिर्फ यही देख करके उन्होंने नहीं बोल दिया कि हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे प्राइस को या फिर यहाँ से बाई कर देंगे, एग्रेसिवली नहीं। शॉर्ट करने के पीछे के रीजंस क्या हैं, जो अपसाइड में प्राइसेस को रिजेक्शंस मिले हैं,
इतनी हैवी वॉल्यूम के ऊपर प्राइस निकला है, बट देखिए किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। अब सिर्फ एक कैंडल क्लोज हो जाने की वजह से हम प्राइस में बाइंग नहीं कर लेंगे, लेकिन प्राइस जब शॉर्ट साइड की तरफ आया तो आपको देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्मेशन का लो ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आया है। हाँ राइट सर, बट एक रेजिस्टेंस बना है वहां पे जो बड़े वॉल्यूम की जो कैंडल है, हाँ उसके आसपास अगर आप देखें तो अपना वाला ही एक फॉर्मेशन बना है वहां पे। ठीक है हम समझ रहे हैं आप जो बोल रहे हो, बट ये इनवैलिड है। अच्छा ठीक है, अच्छा प्रोबेबली जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है वो उसकी वजह से इनवैलिड। जी हाँ ठीक है सर, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक कैंडल के क्लोज हो जाने की वजह से नहीं, अब यहां पर भी देखिए प्राइजेस में हम हाई मार्क कर लेते हैं, प्राइजेस में जो रीड करने के एरियाज होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम प्राइजेस को यहीं से रीड करने लग जाएंगे, ये वाले एरियाज आने दीजिए, प्राइस को कहीं भी जा रहा है जाने दीजिए, कुछ भी हो रहा है इसके अंदर होने दीजिए, ये एरिया मेरा रीडिंग का एरिया नहीं है, ये गलत है। हमें जो प्राइजेस को देखना होगा वो या तो हम बिल्कुल डाउन से देखेंगे या तो फिर अप साइड की तरफ कोई अगर रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं तो वहां से देखेंगे। वॉइस इज ब्रेकिंग अंजलि जी, अंजलि जी आपका इंटरनेट कुछ इश्यू हो सकता है, क्या सभी लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। अब देखिए मान लीजिए इथेरियम का चार्ट अपना ये अपने सपोर्ट पर है, व्यूज जो करंट प्राइस एक्शंस और वॉल्यूम एक्शंस यहां पर हुए हैं इसके आधार पर अगर हमको बाइंग और सेलिंग करनी होगी तो बहुत अच्छी तरह से जो लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं ये सपोर्ट है और ये लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों पर क्लियर हो रहा है और कन्फर्म हो रहा है। फॉर्मेशन आप लोगों को याद है? यस सर, यस सर। इनफैक्ट हमारे सपोर्ट पर वो फॉर्मेशन आपको दिख रही है? हाँ सर, यस। ये हो गई मेरी सपोर्ट पर सपोर्ट का कंफर्मेशन। देखो ट्रेड कैसे करना है बताइएगा, नहीं सिर्फ याद है हाँ या ना जवाब दीजिए। हाँ सर एग्जैक्ट। क्या इस वाली रेंज से अगर हम प्राइसेस में अपने बाइंग के व्यूज को लेकर के आते हैं तो क्या अब हम बाई कर सकते हैं यहाँ पर? कर सकते हैं अगर ऊपर क्लोज करता है तो, अगर अप साइड की तरफ क्लोज करता है बट विद वॉल्यूम। हाँ सर, विद वॉल्यूम अगर क्लोज करेगा तो हम डे लो के स्टॉप लॉस के साथ प्राइजेस में बाइंग का अपना व्यू क्लियर कर लेंगे और इस केस में जो मेरे स्टॉप लॉसेस बन सकते हैं, क्योंकि अब इस रेंज से अगर प्राइजेस ने अप साइड की तरफ जाना शुरू कर दिया, यहां से अगर प्राइस ने अप साइड की तरफ जाना शुरू कर दिया तो सबसे पहला जो हर्डल इसको फेस करना पड़ सकता है वो ये वाला होगा और ये वाला होगा, और जब ये रेंजेस ब्रेक होंगे ना तो बहुत बड़ी कैंडल्स के साथ प्राइजेस की ये रेंजेस ब्रेक होंगे। अब क्योंकि प्राइजेस में मूव्स काफी हो चुके हैं, ये भी आगे चल के हम आपको क्लियर की सारी चीजें क्लियर करेंगे। प्रीवियस डे में देखिए कितने परसेंट का मूवमेंट हुआ है, लगभग 8-9% का। स्टॉक वैल्यू से जितनी एक्सपेक्टेशन होती उससे ज्यादा का मोमेंटम प्राइस के अंदर हुआ है। सर हेलो सर, अपनी जो वीएससी की फॉर्मेशन बनी है उसमें सर प्राइस का भी ब्रेकआउट होना जरूरी है या वॉल्यूम का? दोनों, बोथ। वीएससी का हाई क्रॉस होना चाहिए सर ब्रेकआउट? आपको वीएसए की इम्पोर्टेंट कैंडल मालूम है कौन सी होती है? जी सर, है ना, सिर्फ उस इम्पोर्टेंट कैंडल के ऊपर प्राइस निकलना चाहिए। सेकंड कैंडल हाई सर, फिर हमने आपसे बोला ना कि किसी भी फॉर्मेशन का काउंटिंग और नाम मत लीजिएगा। ओके सर, सॉरी। किसी भी तरह का व्यू, जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। आप लोगों ने इसमें से मतलब किसी ने भी कोई गलती नहीं की, ना ही प्राइस को पढ़ने में ना समझने में। सबसे अच्छा जो हमको दिख रहा है कि जिस वे में प्राइस को एनालाइज किया था
कुणाल, बहुत अच्छा पकड़ा था उन्होंने। जो प्राइस अपसाइड की तरफ अगर हमारा निकलना है तो किसी एक रेंज के ऊपर, यहाँ से इस वाली एक रेंज के पास से बताया था, अगर ये ऊपर निकलेगा तो यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अगर प्राइस सपोर्ट पर अगर हमको किसी तरह की कंफर्मेशन देगा तो हम बाई करेंगे, वरना ये अपसाइड की तरफ, इसको कहीं भी निकलना है, ये निकल जाए, मैं इसके अंदर बाइंग नहीं करने वाला। जो भी कंफर्मेशन लेना है हमको इसी पॉइंट पर लेना है, इस एक पॉइंट पर लेना है। तभी होगा कि मेरे स्टॉप लॉसेस छोटे आएंगे। और अब जो मार्केट है ये पूरी तरह से, अब इसके अंदर हमको ऐसा क्या लग रहा है कि या तो ये साइडवेज रह जाएगी या फिर अगर मोमेंटम्स होंगे तो बहुत बड़े मोमेंटम्स हो सकते हैं। ज्यादातर जो हमको चांसेस लग रहे हैं इसके अंदर, अब ये साइडवेज रह सकता है। वॉल्यूम्स बुरी तरह से गिर चुके हैं, मॉर्निंग में देखिए इतनी काफी ज्यादा वॉल्यूम आई है और तब से वॉल्यूम गिरे हैं और प्राइजेस के मोमेंटम्स आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम पूरी तरह से। इस वजह से क्या चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइजेस में जो काउंटिंग्स के एरिया हमारे हुए वो ये वाले हुए, प्राइस को रीड करने के जो एरियाज हुए वो ये वाले एरियाज हुए। अभी जितने भी फॉर्मेशंस है आपकी, वो सारी की सारी फॉर्मेशंस आपको यहां पर देखेंगे। जितने भी लाइव ट्रेड हम करते हैं हायर टाइम फ्रेम पर देखिए और उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, क्या मेरे जो एंट्रीज के पॉइंट होते हैं क्या हम हमेशा बॉटम से या फिर टॉप से शॉर्ट या सेलिंग नहीं करते, शॉर्ट या फिर बाइंग नहीं करते कभी भी? मेरा बाइंग या फिर सेलिंग आपको इस वाले एरिया में नहीं मिलेगी, या यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, या तो वो यहाँ पर होगी या तो फिर अपसाइड की तरफ कोई रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर होगी। स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक बार कंफर्मेशन मिलने दीजिए, प्राइस अपने सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर सपोर्ट कंफर्म भी हो रहा है, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा, हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स जो हो सकते हैं कि प्राइजेस में ये वाली रेंज हमारे लिए टारगेट हो सकता है, या फिर जिस एक कैंडल का लो हमने मार्क किया है इसके ऊपर प्राइस निकलेगा, और ये वाली एक जो रेंज है यहां पर प्राइस रेजिस्ट हो सकता है और इसको ब्रेक कर दिया तो फिर अपसाइड की तरफ। सर जो 32.85 को जो लाइन मार्क किए वो वॉल्यूम की वजह से मार्क किए हैं? हाँ सर, ठीक है सर, ये भी है और अपना VSA भी है, क्या दोनों के हाईज हमको सेम नहीं लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं सर, लेकिन सर मुझे लगता है 21.30 जो कैंडल है उसमें बहुत लोग बाइंग किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस गया होगा, क्योंकि वो जो VSA हमको दिख रहा है वो जो एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल है उसका ऊपर हम अगर बाय करते तो उससे कैसे बच सकते हैं? हम तो 21.30 कैंडल में बाय कर लेते तो उसमें बचे कैसे? 21.30 कौन सी, एक बार फिर से प्राइस बोली क्या है? कि टाइमिंग बता रहा हूँ, वो टाइमिंग 21:00 तो टाइमिंग वो फिर से बोलिए, हम समझ नहीं पा रहे। 21:30 लिखा हुआ है उसी, हाँ उस सर वही कैंडल, अगर हम बाय क्यों नहीं करेंगे इस कैंडल में, इस कैंडल के ऊपर बाय क्यों नहीं करेंगे? और उसी कैंडल में बाय क्यों नहीं करेंगे जब क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया, हमारे VSA के ऊपर भी दिया है? अच्छा। इसमें तो हम मतलब मुझे लग रहा है कि हम इसमें फंस जाते, हम तो बीच बात में इतना मार्केट देखे हैं अभी जो कैंडल हुआ है, अगर हम इस टाइम पे यहाँ पे रहते। ठीक, चलिए, आपके कहने का मतलब कि प्राइस में इस वाली रेंज के ऊपर हम बाई क्यों नहीं कर लेंगे? ये आगे हमने ऐसा क्या देखा कि प्राइसेस को हम यहां से बाई करेंगे? ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। हाई टाइम फ्रेम की रेंज थी ये तो मालूम है आपको? हाँ सर। अब एक चीज हमें यहां पर देखनी होगी, हम बाई कब करेंगे
जब नीचे हमको सपोर्ट्स कंफर्म होंगे। हाँ। इस पूरी फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ एक उस कैंडल को छोड़ करके क्या इस पूरी फॉर्मेशन में या टाइमिंग में या फिर जो भी चार्ट यहाँ पर बना है कहीं पर भी आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम किस वजह से यहाँ पर हम बाइंग करेंगे? क्या यहाँ पर आपको कोई स्टॉप लॉस अभी चले मैंने आपको बताया नहीं? मेरे अकॉर्डिंग या फिर जो मेथड्स हम आपको बताएंगे स्टॉप लॉस लगाने के, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी नहीं बने, ये भी एक बड़ा रीजन है। उसके बाद क्या यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स के किसी तरह के कोई ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर। हम क्यों बाय करेंगे? सिर्फ एक हाई ब्रेक हो जाने की वजह से क्या आप प्राइस को बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते। अभी जो प्राइस एक्शंस चल रहे हैं क्या हमने आपसे कहा कि हम यहाँ पर बाय कर लेंगे जब तक वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं होंगे? हाँ सर। नहीं मेरा तो सर व्यू सेल साइड का ही था, लेकिन पहले इस सब प्रॉब्लम में हम फंसते थे तो इसलिए पूछे उसको हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर इसको डाउन साइड की तरफ भी जाना है, वॉल्यूम्स ब्रेकआउट्स इज मस्ट, इसको गिरना है तो गिर जाए, चांसेस बहुत कम है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ गिरे। अगर इसको गिरना है तो वॉल्यूम्स की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर वॉल्यूम्स आने शुरू हो जाएंगे। वॉल्यूम्स आएंगे इसका मतलब कि सपोर्ट्स डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हो जाएंगे। जब तक वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं होंगे, इथेरियम का क्लास खत्म हो जाने के बाद इथेरियम को देखते रहिएगा आप लोग, और ये लगभग 1 बजे तक अपना चार्ट चलता है। हाँ सर। है ना, इसको देखते रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प मिलेगी। प्राइस डाउन साइड की तरफ ये गिर सकता है, लेकिन जब तक वॉल्यूम्स नहीं आएंगे हम इसके अंदर रियल मनी के साथ एंटर नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ ग्रीन कैंडल देख लेने से हम बाई साइड या फिर रेड कैंडल्स देख लेने से सेल साइड, ग्रीन कैंडल देख ली तो एग्रेसिवली हम बाई कर रहे हैं या फिर सेल साइड देख लिया तो हम एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। हमारे प्राइस या फिर हमारी रेंज के पास में प्राइस का होना जरूरी है, हमारी रेंज के पास में रेंज की कंफर्मेशन होना जरूरी है, हमारी रेंज के पास में एंट्रीज की कंफर्मेशन और स्टॉप लॉसेस बनना बहुत जरूरी है। गिर जाएगा, यहां से ऊपर चला जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपए का तो रिस्क है, चले जाएंगे तो चले जाएंगे, हम रिस्क ले लेते हैं यहां पर, कोई बात नहीं, क्या होगा, सुबह से 5000 रुपए तो कमाए ही हैं, चले जाएंगे तो 5 चले जाएंगे, कुछ लेकर तो आए नहीं तो ठीक है ले लिए। रिजल्ट क्या निकलता है कि कुछ भी आपको नहीं मिलता है, स्टडी आपकी गलत दिशा में जाती है और जो लॉस आप करते हो पैसों का वो तो अलग। मॉरल ऑफ द स्टोरी के प्राइजेस को रीड करने के अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और प्राइजेस को हमें उन्हीं पॉइंट से ही पकड़ना होगा। बीच में कहीं पर भी आप प्राइस को मत पकड़िए, जो रेंजेस हमने बताई हैं आपको हायर टाइम फ्रेम की, उन रेंजेस के पास में ही प्राइस को आपको देखना है, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइज की इससे हम सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंचते हैं या फिर यही हम एक्सपेक्टेशन इससे आपके रखते हैं कि जिस इत्मीनान के साथ आपने प्राइजेस को यहां पर रीड किया उससे कम इत्मीनान आपका तब भी होना, मतलब इससे कम इत्मीनान वहां पर नहीं होना चाहिए जब आप रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो या फिर जब आप अकेले में बैठ करके ट्रेड कर रहे हो, इतने ही इत्मीनान के साथ आपको खुद भी ट्रेड करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं और हमें दिखाना है तो हम बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से प्राइस को रीड कर रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं, है ना? जैसे आपने प्राइस को यहाँ पर रीड किया सेम वैसे ही आपके ट्रेडिंग रूम में बैठ करके ही आप प्राइस को रीड करोगे, यही इत्मीनान रहेगा और मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ में रहेगा, आपके रूल्स जो हमने बताए वो आपके साथ में रहेंगे, आप मंथ के एंड में देख लेना प्रॉफिट में ही निकलोगे, लॉस में नहीं निकलोगे। कुणाल साहब। यस सर, यस सर। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं,
क्या इसको देखते हुए कि अगर प्राइस हमारा डे लो ब्रेक करके प्रीवियस डे की रेंज के अंदर चला जाएगा तो क्या हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं? नहीं सर, वापस बोलिए सर, मैं वापस बोलिए, मैं पकड़ नहीं पाया। यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं और विदाउट वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट प्राइस अपना डे लो ब्रेक करके प्रीवियस डे की रेंज के अंदर आ जाता है तो क्या हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हमारे पास आप देखिए, अगर मतलब मुझसे पूछेंगे तो जो वो रेड कलर की कैंडल है, जो ब्लैक वाली जो आपने मार्क की, मतलब वो रेड ही है ना, मतलब ब्लैक ब्लैक वाली, वो हाई वॉल्यूम वाली। हाँ ये वाली, हाँ आइडियली वो कैंडल है, तो उसके रेफरेंस से उसके, हाँ उसके रेफरेंस से हम मार सकते हैं मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखो प्राइस वहीं से रिजेक्ट होने का कोशिश कर रहे हो, नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसमें सर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा कि हमको छोटा एसएल रखना पड़ेगा, तो हम कहीं से भी नहीं मार सकते। मतलब अगर हमको एसएल छोटा दिख रहा है तो ही हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पूछ रहे रेंज में आ सकता है अंदर, तो हाँ आ सकता है। चलिए ये अपनी रेंज है, कंफर्मेशंस, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हमने कहा था ना आपसे, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट के साथ अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ गिर जाएगा तो ये डाउन साइड की तरफ ही आपको नजर आएगा गिरता हुआ। प्राइस को अगर डाउन साइड की तरफ गिरना, तुमने कहा था ना आपसे वॉल्यूम्स जरूरी है, वॉल्यूम्स आएंगे। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं आपके सामने, प्राइस डाउन साइड की तरफ अगर क्लोज कर देगा तो ये डाउन साइड की तरफ इसके मोमेंटम शुरू हो सकते हैं। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं इसके साथ में, जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस डे में इतना बड़ा आपका वो हुआ है, रैली हुई है, तो सेकेंड डे क्या होगा कि साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये चीज हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि कब आपको ट्रेड करना और कब ट्रेड नहीं करना है। अगर वाकई में हमें इथेरियम को ट्रेड करना होता तो हम आज के दिन इसको ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये चल चुका है काफी अपने प्रीवियस डे। देखिए क्या इसी इसी के एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट होगा सर पूरी तरह, अब ये डाउन साइड की तरफ आपको जर्नी दिखा सकता है। अभी भी देखिए डे लो के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिए, जी वाला क्लास ये पर लोग खत्म कर रहे हैं अपनी। इथेरियम को आप सभी लोग देखते रहिएगा, जो भी रिजल्ट। सर एक चीज पूछनी थी सर। हेलो जी, जी बोलिए बोलिए सर। ये पूछना था जो अपना वीएसए पैटर्न है उसके रिलेटेड पूछना, जो हमारी सर फोर्थ कैंडल होती है अगर वो मान लो ब्रेक नहीं करते उसके बाद तीन चार कैंडल कोई और ब्रेक करते है वॉल्यूम के साथ, तो उसको सर हम इंक्लूड करेंगे वीएसए में? हाँ कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके कर सकते हैं। और सर बॉडी का क्या सीन है सर फोर्थ कैंडल का, अगर देखो तो ये ठीक रहेगा अगर सपोर्ट के बाद बनता है तो? सही है, कोई गलती नहीं, परफेक्ट है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। सर बेस्ट क्लास था आज, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया चार्ट्स को रीड करने का, थैंक यू सो मच। अंजलि जी हेलो जी, हाँ आप कुछ बोल रही थी? एक्चुअली मैं मुझे अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें कैसे पोजीशन लिया जाए इसमें ना? छोड़ दीजिए, ये सारी कंफ्यूजन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ओके श्योर, सिंपली बस यहाँ पर इतनी सी चीज समझने की कोशिश करिए कि प्राइजेस के एक सपोर्ट नीचे ब्रेकआउट होने पर हम वेट कर रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ, जो कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हमको दिख गए, प्राइजेस भी डाउन साइड की तरफ मोमेंटम अब शो कर सकता है हमको। अगर इतने सारे डिस्कशन के बाद भी कुछ कंफ्यूजन है आपको तो फिर वो धीरे धीरे आगे की क्लास में क्लियर होंगे आपके। ठीक लव बोलिए।
क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ बोलना था आपको जी, बोलिए कि सर वीएसए के बाद की सारी क्लासेस का अगर वापस से एक्सेस मिल पाता तो वापस से मतलब देख पाता मैं, वीएसए के बाद की क्लासेस ढंग से नहीं हो पाई है मेरी ऐसा। वीएसए के बाद की क्लासेस और के बाद लास्ट की दो तो मैंने देखी नहीं, पर मैं क्या वीएसए और बुलिश कंटिन्यूशन वाली वापस देखना चाह रहा हूं, तो उसका अगर वापस से एक्सेस मिल पाता तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा हमको, आप आपको बता देंगे जी। ओके क्लास क्लोज करते हैं अपन। शिव जी आवाज आ रही है? थैंक यू सर। ओके वेलकम। थैंक यू सर। शिव जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी सर। शिव जी क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग। ओके गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।